हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरुकुल में आए हैं, तो पूरा गुरुकुल आपको दिखाने वाले हैं क्योंकि हमारे काम है बहुत सारे डिपार्टमेंट में, तो इसीलिए आज स्पेशली आए हैं। ये है मेरा दोस्त अतुल, जिसको आपने देखा होगा बहुत बार मेरे साथ वीडियो में। तो अभी हम बीए डिपार्टमेंट के कैंपस में बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है ये देख सकते हैं। और यहाँ सामने से एक लड़की हमेशा गुजरती है, आपको उसके ब्लॉग दिखते होंगे, नहीं दिखते हैं तो सर्च कर लीजिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं भी बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट करूं। क्यों अतुल जी, आपने देखा उसको एमएससी वाली लड़की को? कभी नहीं। ठीक है, तो दिखाता हूं कहां कहां वो शूट करती है, उसके ब्लॉग को भी आज निशाने पे लेंगे। ठीक है, तो ये है बीए डिपार्टमेंट। अभी ऑफिस खुला नहीं, 5 मिनट हैं, तो जैसे ही खुलेगा तो वैसे हम दिखाएंगे। गाइस, अभी हम चल रहे हैं फिलहाल साइकिल में, तो आज बहुत सारे डिपार्टमेंट में चक्कर लगाने हैं। तो अभी पहले यहीं सामने चलते हैं, आ जाओ, हम चलते हैं कैफ़े में। कैफ़े ही बोलते हैं। हाँ, तो वहाँ पर हम फोटोकॉपी कुछ कराएंगे, तो बहुत सस्ती फोटोकॉपी होती है यहाँ। तो दोस्तों, यह है एमएससी या बीएससी साइंस का डिपार्टमेंट, यहाँ आमने सामने अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये केमिस्ट्री का है, यहाँ फिजिक्स का अंदर जाके, और यहाँ आईटी सर्वर भी है, और काफ़ी चीज़ें हैं, आपको पूरा गुरुकुल दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर फोटोकॉपी आज महंगी पड़ी, अतुल क्या कहना चाहेगा? तो इन लोगों ने जो छात्रों के प्रति काफ़ी दुर्व्यवहार है, कह सकते हैं कि इधर से बंद है शायद, बहुत टाइम से घूम के जाना पड़ेगा। और ये ऑफिस है बीएससी डिपार्टमेंट का। अतुल, इतना ज़्यादा गेट से बाहर निकलते हैं तो यहीं पे हॉस्टल है, तो अब हम हॉस्टल में जा रहे हैं। हॉस्टल में हम रहते नहीं थे, पर जा रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी फीस 400 रुपये वापस चाहिए, जिसके लिए हम 20-25 चक्कर लगा रहे हैं। कैसा लग रहा है अतुल? तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो संघर्ष का ही ज़माना है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं हम गलत जगह घुस गए थे, बीटेक के उसमें, बीटेक का जो हॉस्टल था। तो अतुल जी, ऐसे गलत फहमियाँ कैसे पाल लेते हो? तो ये देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लोकेशन है, खासकर यहाँ सामने खेत हो और ये पेड़ हो आम के। क्या उसका पैन ही फंस गया, तो बड़ी मुश्किल से सर से पैन लिया था, और वो पैन भी इसने गंवा दिया है। बहुत ही बुरा, आज पूरा हॉस्टल का टूर होने वाला है। आप सभी पूछते हैं कि कैसी लोकेशन है, तो जन्नत जैसी लोकेशन है, सिर्फ ऊँचे ऊँचे पहाड़ नहीं है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वहाँ पहाड़ भी देखने को मिलेंगे क्या। एक याद है मुझे, कौन सा वो लोगों को पास में पहाड़ चाहिए, एक ऋतिक है बीटेक का, वो बहुत बोलता है भाई पहाड़ों पहाड़ है क्या पहाड़, झोपड़े बनवा देते हैं। मैंने कहा श्रीनगर में ले लेता, तो बस पहुँचने वाले सर नहीं है यहाँ तो है। चलो भाई, तो दोस्तों हम हॉस्टल से आ गए हैं, तो हॉस्टल में जाके बहुत अच्छा लगा, जो भैया थे काफ़ी जानकारी दी उन्होंने। और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं, उसकी स्पेशल वीडियो आएगी, हम सीधे भैया से ही मिल के आएंगे। तो अतुल जी कैसा लगा? काफ़ी वार्डन मज़ा आया, वो कहते हैं ना बहुत बुरा वार्डन होता था हॉस्टल का, लगता है थोड़ा थोड़ा उसकी है काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा यार। चलो ठीक है, मिलते हैं आगे शारीरिक विभाग में या कहीं और। तो गाइस, एक बार हम फिर पहुँच चुके कैंपस में, और एक जगह नहीं बहुत सारी जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये भी, ये देखिए पुराने मंदिर जैसे। मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो ये जो गुरुकुल है बिल्कुल पुराने मॉडल पे। कहाँ जा रहे हो? मुंबई? मुंबई यार, इतने खूबसूरत जगह यहीं है, तुम मुंबई जा रहे हो? नहीं, देख रहे हो क्या डिज़ाइन है, और अंदर एसी मिलेगा, तो बाहर की बनावट और अंदर की बनावट बिल्कुल अलग। तो दोस्तों, हम यहाँ हॉस्टल में गए थे, यहाँ पीछे हॉस्टल नहीं सॉरी, हम शारीरिक विभाग में गए थे, और ये दयानंद स्टेडियम देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा स्टेडियम है यहाँ पर, और अंदर जिम करने के लिए भी है, काफ़ी स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं खेलने के लिए, फुटबॉल बैडमिंटन जो भी आप लेना चाहें। काम कर लें, ये देखो बकवास कह रहा है क्योंकि इसको बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं 400 रुपये की वजह से। 400 रुपये। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम फिर ऑफिस की तरफ, और सर से पूछते हैं और किसके साइन कराने हैं, बहुत चक्कर लगते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको सारे विभाग दिखाए। सबसे पहले अपना ऑफिस दिखाया, ठीक है, जो बीए डिपार्टमेंट का था। आज हमें क्या करना था, जो सिक्योरिटी फीस होती है बीए में जमा होती है, किसी भी विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेते हैं तो 400 रुपये थे, ज़्यादा नहीं थे, कम ही थे, पर हमारे लिए ज़्यादा थे। तो सबसे पहले हम गए लाइब्रेरी में, वहाँ से साइन कराए, उसके बाद हॉस्टल गए, उसके बाद शारीरिक विभाग गए, उसके बाद यहाँ जमा करा। तो इसमें लगा हमें करीबन एक घंटा। तो एक घंटा जब हमें पूरा हुआ तो उसके बाद हम यहाँ सुकून से बैठे हैं उसको जमा करने के बाद। और उसके बाद भी कहा गया क्या, अभी कोई उम्मीद नहीं है, बोला कि अभी कुछ कह नहीं सकते, बोला कितने दिन में आएगा। तो बाकी तो कॉलेज देखिए आप, कॉलेज तो बहुत ही शानदार है। और हॉस्टल में हमने बहुत अच्छी बातचीत करी उनसे और उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया, तो हम चाह रहे हैं कि एक दिन उनसे बातचीत करें। आप बताइए कि क्या हमें बातचीत करनी चाहिए हॉस्टल में अच्छे से उनसे, कि आपको हॉस्टल के बारे में पूरा बता देंगे कि क्या रेंट है, आपको क्या क्या खाने के लिए मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे अगर आप कहेंगे तो। ठीक है अतुल जी, कहेंगे यार, बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं। अच्छा चलिए, कहेंगे तो कमेंट कर दीजिए फिर। और ये भी बताइए कि आप कितने सालों से देख रहे हैं, क्या आप मेरे पहले वाले चैनल पे थे, क्या आप इस वाले चैनल पे भी आए हैं, क्योंकि मेरा पुराना वाला जो चैनल था जिसपे 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ थे, गुरुकुल की वीडियोस पे बहुत सारी थी, तो वो चैनल मेरा डिलीट हो गया था। तो क्या आप बताइए, क्या उस वाले चैनल पे आप थे या आप इसी चैनल पे मुझे देख रहे हैं। तो इस वीडियो को देख के कैसे लगा, तो थोड़ा कॉमेडी भी थी वीडियो में। और बाकी आप इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, धीरे धीरे गुरुकुल की सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देते रहेंगे, अभी न्यू एडमिशन होने वाले हैं। हाँ, इसका भी एक यूट्यूब चैनल है, ये भी बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, मेरे से ज़्यादा व्यूज़ अब इसके आ रहे हैं गुरुकुल की वीडियो पे। बहुत तेज हो रहे हो। किस नाम से थे? हाँ, मेरा वन ड्रीम AKM। हाँ, तो सर्च कर लीजिए अगर इनकी वीडियो पे भी आप जाते हैं या जाएंगे। लिंक नहीं डालना बिल्कुल। चलो ठीक है, लिंक नहीं डालेंगे इनकी, इतनी बेइज्जती तो मत। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर। कैसा लगा ये ब्लॉग? और वो जो लड़की का जिक्र कर रहा था, भूल गया मैं पूरे उसमें, तो उसका यूट्यूब का लिंक दे दूंगा या आप कहेंगे तो, वरना मैं नहीं दूंगा। बाकी वो लड़की देखेगी तो हमें बहुत सुनाएगी, तो मैं इसलिए फिरकी ले रहा था क्योंकि मैं उसका व्यूवर्स हूँ, लगातार उसकी वीडियो देखते रहता हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है वीडियो। तो वीडियो या लड़की? नहीं नहीं भाई, वीडियो अच्छी लगती है, वो शायद हमसे बड़ी है तो सीनियर है आई थिंक, इसलिए उसकी कोई दोस्त है, वो स्टेटस पे डालती रहती है, तो तब मैं देखता हूँ। प्यार उम्र नहीं देखता। अच्छा कोई नहीं, प्यार उम्र नहीं देखता, पर हम उम्र देखते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम गुरुकुल वाले हैं। वैसे हमें यहाँ कोई दिखती नहीं है लड़की, तो इसलिए हम पहली बार। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस यही कहना चाहते हैं। ठीक है, ब्लॉग का नाम होगा कि पहली बार देखी एक लड़की इशारा करके लड़की दिखा देना। हाँ तो चलो ठीक है गाइस, बाय बाय।